नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के अन्य शिवालयों में लगाई हाजिरी। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। केंद्र सरकार द्वारा रोटी पर टैक्स लगाने का अनोखा विरोध करते हुए निकाली गई रोटी कांवर यात्रा। और वाराणसी निषाद राज कल्याण समिति द्वारा मनाया गया फूलन देवी का शहादत दिवस। और अब खबरें विस्तार से। सावन के दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के अन्य शिवालयों में हाजिरी लगाई। इस दौरान पूरी काशी हर हर बम बम के उद्घोष के साथ ही केसरिया रंग में रंगी नजर आई। बाबा भोले के प्रिय माह श्रावण की उनकी नगरी काशी में जमकर धूम देखने को मिली। सावन के दूसरे सोमवार को स्थानीय श्रद्धालुओं सहित बड़ी संख्या में आए कांवरियों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। आलम ये रहा कि देर रात्रि से ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में लाइनें लग गईं। हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कांवरियों का उत्साह देखते बन रहा था। वहीं भोर में मंगला आरती के पश्चात बाबा का पट दर्शन हेतु खोला गया। बड़ी संख्या में आस्थावानों ने बाबा को बेलपत्र माला फूल अर्पित कर उनका जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। लंबी कतारों में लगे श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने को आतुर दिखे। इस दौरान पूरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई। श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। वहीं डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसके लिए पानी में भी बैरिकेटिंग की गई है और श्रद्धालुओं को बराबर बैरिकेटिंग के अंदर ही रहकर स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। चारों द्वार से यथावत दर्शन का क्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग कतारबद्ध होकर ही दर्शन करें और यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वहीं इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे रात्रि से लाइन में लगे हैं और लाइन वहीं की वहीं है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। और कुछ स्थानीय लोग बाद में आकर दर्शन करके चले जा रहे हैं, लेकिन हम दूर दराज से आए श्रद्धालु लाइन में ही लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालु बाबा का बिना दर्शन किए ही लौट गए हैं। त्रिपुर भैरवी के पास जो है गंगा जी में जल स्तर जो बढ़ा है, वहाँ से सीधे नीचे घाट जो है ललिता घाट की तरफ जा कर के और गंगा द्वार से प्रवेश करते थे, तो ऐसे श्रद्धालुओं को जो त्रिपुरा वाला जो घाट है वहाँ से सीधे मान मंदिर होते हुए और उनका प्रवेश दिया जा रहा है। इस तरह से सारे घाट हमारे इस समय चल रहे हैं। केवल उसका जो है जो नीचे से रास्ता था उसको मान मंदिर की तरफ से किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे प्रवेश द्वार हैं
यथावत जो है चल रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और सभी श्रद्धालुजन अपने लाइनबद्ध होकर के ही चलें और निकास मार्ग से ही निकलें और जल में विशेष रूप से ध्यान रखें, जल बैरिकेडिंग का उल्लंघन ना करें, जल बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें। पूरे मेला क्षेत्र को CCTV टीम से जो है टीवी से आच्छादित किया गया है और जहाँ कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई पड़ती है तो उसके संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को अवश्य सूचित करें और जो यातायात के नियम हैं उनका सभी श्रद्धालुजन पालन करें। सर, भीड़ को देखते हुए किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है? भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं और सुपर जोन, जोन, सेक्टर में विभाजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टियां सादे वस्त्रों में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं और साथ ही साथ जो लगातार जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक भी मॉनिटरिंग की जा रही है कमांड कंट्रोल के माध्यम। वहीं दर्शन पूजन के क्रम में सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बाबा को बेलपत्र, माला फूल, फल मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनका दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण घंटा घड़ियाल बाबा के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा। वहीं इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। क्षेत्र में माला फूल इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। बाबा का पुजारी सारंगनाथ पुजारी सारनाथ और यहाँ की महिमा, यहाँ की महिमा विश्व में ऐसी कहीं महिमा है ही नहीं। विश्व में ऐसा कहीं मंदिर ही नहीं जहाँ एक तरफ भगवान शंकर और एक तरफ उनके साले सारंगनाथ, एक अरगा में दो शिवलिंग, विश्व में कहीं नहीं। और इसकी कहानी क्या है? अलौकिक कथा है कि जब भगवान शंकर जी की जब शादी हुई उस समय श्री सारंगनाथ जी अपने घर पर नहीं थे, विद्या ग्रहण करने के लिए शंकराचार्य के आदेश से, गुरु नारद जी के आदेश से विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में थे। पुनः जब वापस आए उन्होंने देखा कि हमारी बहन की शादी हो चुकी है, यानी अपने पिता से बड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा आपने बहुत गलत काम किया, एक राजकुमारी की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए जिसके पास घर नहीं, द्वार नहीं, भांग धतूरे खाते हैं, चाइयाँ टहलते हैं। ऐसा करिए, खजाना खोलिए, कुछ मुद्राएं हमको दीजिए, जाकर के मैं काशी में उनकी अच्छे से कोई व्यवस्था करें। तो सारंग ऋषि जी वहाँ से चले, इस जगह का नाम था पहले ऋषि मतंगवार। यहाँ पे आप खड़े हैं, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, यहाँ पर वो बैठे, सुस्ताने लगे, सुस्ताने में उनको निद्रा लगी, सो गए, सपने में क्या देख रहे हैं, पूरी काशी सोने की। जब उनको काशी सोने की दिखाई देने लगी तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया, उन्होंने कहा ये तो त्रिलोकीनाथ हैं, हमसे बड़ा भूल हुई, तो मैंने किस मुँह से उनके सामने जाएं। यहीं बैठ करके उन्होंने घोर तपस्या किया, इतनी तपस्या की कि बाबा विश्वनाथ जी को यहाँ प्रकट होने पड़ा, पुनः उनको दर्शन देना पड़ा। और दर्शन देने के बाद उन्होंने तीन वरदान दिए कि सावन के महीने में मैं आपके साथ रहूँगा यहाँ एक महीने। दूसरा वरदान, सावन के महीने व्यक्ति जो एक दिन दर्शन करेगा उसे पूरी साल का फल प्राप्त होगा। तीसरा वरदान ये दिए कि कोई भी अच्छे मन से इनसे मन्नत मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो बाबा सारंगनाथ की जय। इसी क्रम में ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने भोर से ही लाइन लगाकर पूजन अर्चन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। माला फूल, बेलपत्र सहित हाथों में मिष्ठान प्रसाद लेकर बाबा को अर्पित किया। मंदिर के पुजारी मधुर कृष्ण जी महाराज ने श्रावण माह में बाबा के निरंतर दर्शन पूजन का महत्व बताया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी बताया कि बाबा का दर्शन बड़े ही श्रद्धापूर्वक हम लोग करके शांति व खुशहाली की कामना करते हैं।
इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। दूसरा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे आज दरबार में बाबा जी? श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है, इसी क्रम में आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और द्वितीय सोमवार को भक्त लोग शिव मंदिर में बड़े श्रद्धा के साथ उमड़ रहे हैं और प्रातः 4 बजे से ही दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का पूजन चल रहा है। भगवान शिव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से सभी शिव भक्तों से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हो रहा है, इसलिए सभी भक्तों को विशेष धन्यवाद है। मैं हर सोमवार यहाँ आती हूँ, आज सावन का दूसरा सोमवार है, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे यही कामना करती हूँ। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महामहिम बन गई हैं। सोमवार को उन्हें CJI NV रमन ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनी ये लोकतंत्र की महानता है। भारत में गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। युवाओं और महिलाओं को मैं खास विश्वास दिलाती हूँ। अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा दृढ़ संकल्प मजबूत रहा। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वो देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा रोटी पर टैक्स लगाने का अनोखा विरोध करते हुए रोटी कांवर यात्रा निकाली गई। सावन के दूसरे सोमवार को केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए रोटी पर टैक्स के विरोध में भगत सिंह यूथ फ्रंट द्वारा रोटी कांवर यात्रा निकालकर रोटी, दूध, दही, छाछ, किताब, पेन इत्यादि बाबा विश्वनाथ को अर्पित करके इन पर लगे टैक्स से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की गई। रोटी कांवर यात्रा निकालने वाले हरीश मिश्रा ने कहा कि अब मोदी सरकार हम गरीबों की कोई बात नहीं सुनती है। अगर हम लोग इस टैक्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा सरकार बहुत निर्ममता से लाठी चार्ज करती है, फर्जी मुकदमा दर्ज करती है, अवैध तरीके से जेल में भरती है। इसलिए अब आम जनता डर की वजह से भाजपा सरकार से अपना दर्द नहीं कहना चाहती है। यही कारण है कि जनता का विश्वास अब भाजपा सरकार पर नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बुरे दौर में अब बाबा विश्वनाथ के अलावा हम लोगों का कोई सहारा नहीं बचा है, इसलिए प्रभु के अति प्रिय महासावन में हमने रोटी कांवर यात्रा निकालकर बाबा विश्वनाथ को वो सभी सामान अर्पित किया है जिस पर सरकार ने बड़ी क्रूरता से टैक्स लगाया है। भक्त करने का श्रद्धा का और आस्था का केंद्र इस कावर पर जो चीज भी मन्नत के लिए टांगी जाती है बाबा विश्वनाथ उसको पूरा करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे ईश्वर में है रोटी है, दूध है, छाछ है, मैंने इधर जो मोदी सरकार ने जिस तरीके से रोटी पर टैक्स लगाया उस रोटी पर से टैक्स हटाने के लिए बाबा विश्वनाथ से हम लोग जो है ये अपने कागज किताब कृपा करें ताकि ये जो टैक्स है ये आम आदमी को और आम गरीब परिवार को छोड़े। इसके लिए आप सरकार से बात नहीं करेंगे, बाबा से दर्शन? हमारे बाबा से बड़े कोई सरकार का लोग बाबा, हम अपने बाबा से कहें हमारे बाबा उस चीज को पूरा करेंगे और सरकार को सब। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु कांवरियों की सेवा हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा शिविर लगाया गया। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। वहीं काशी में जगह जगह कैंप लगाकर समाजसेवी
कांवरियों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा ही नजारा वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राम जानकी मंदिर पर देखने को मिला, जहां समाज सेवी विकास शर्मा के साथ अन्य लोगों ने कांवरियों की सेवा करते हुए जलपान की व्यवस्था की। वहीं समाज सेवी विकास शर्मा ने बताया कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए कांवरिया यहां पर आते हैं, यहां से होते हुए मारकंडे महादेव दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में हमने उन्हें राम जानकी मंदिर के समीप सेवा भाव के लिए रोककर उन्हें पैरों में छाले न पड़े इसे देखते हुए दवा लगाई, साथ ही उनके जलपान का प्रबंध किया। हम लोग विगत पिछले कई वर्षों से लगातार शिव भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं। ये लोग बाबा के यहाँ से जल लेकर मारकंडे महादेव के लिए जाते हैं, तो रास्ते में शिव मंदिर पे हम लोग रोक करके कांवरियों का सेवा भाव करते हैं, उनके पैर में छाले वगैरह ना हो इसलिए हम लोग मुंह लगा कर यहाँ से तकरीबन 500 दर्शनार्थी रोज गुजरते हैं। हम लोग आज सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ शिव मंदिर पे लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ से शिव भक्त जा रहे हैं सबको हम लोग जलपान और नाश्ता दवाई का व्यवस्था किया है। शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं, पुण्य काम कर रहे हैं, क्या कहें, बस परमात्मा हम लोगों को ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कड़ी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को जा रहे बाबा भोलेनाथ के भक्तों और कांवरियों के बीच आज श्रावणी सोमवार के दिन भक्तों के पैर पखारने के बाद उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए अंगवस्त्रम पहनाकर उनको सम्मान देने के कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब, नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल एवं काशी किराना व्यापार मंडल के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त, सुमित सराफ के नेतृत्व में किया गया। आयोजनकर्ता काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह, संरक्षक विजय कपूर ने नीचीबाग क्षेत्र में सभी श्रद्धालु भक्तों के बीच श्रद्धापूर्वक फलाहार का वितरण किया। शीतल पेय पीने के बाद भक्तिभाव से विभोर सभी भक्तजनों ने बाबा भोलेनाथ का उद्घोष करते हुए संस्था के सदस्यों को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। क्योंकि आज जो है सोमवार का दिन है और दूसरा सोमवार है और प्रदोष भी है, तो आज का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है कि जिसकी शादी न होती हो या कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो, तो आज का बाबा का दर्शन करता है तो उसे पूर्ण जो है लाभ मिलता है। आज इसी क्रम में हम लोग सुबह बनारस के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो भक्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको हम लोग बैठा रहे हैं, गर्म पानी से उनका पैर पखार रहे हैं और पैर पोछने के बाद उनको तिलक और अक्षत कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके बाद मालपुआ, आज हम लोगों ने काफ़ी चूँकि व्रत लोग रहते हैं तो उनको मालपुआ का प्रसाद दे रहे हैं और शरबत पिला रहे हैं। इसी क्रम में गुदौलिया चौराहे पर चंद्र आंगुशा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले सावन में आए हुए समस्त कांवरियों एवं दर्शनार्थियों को शरबत पानी पिलाकर सेवा की गई। कार्यक्रम संयोजक प्रभात सिंह वर्मा, संतोष रघुवंशी, कविता सिंह, मीनाक्षी सिंह, प्रशांत सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। बाबा के दरबार में आया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सारे परिवार को अच्छी शुभकामनाएं मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले, यही हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं, सब परिवार से रहते हैं, बाबा के दर्शन बस जा ही रहे हैं कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्थान लग रहा है, बहुत ही अच्छा, पहली बार आए लेकिन ऐसा लग रहा है हर साल आए यहाँ पे। कैसा लग रहा है बनारस में बाबा के दरबार में? बाबा के दरबार में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग करीब 5 बजे से घूम रहे हैं, इतना रास्ते की दर्शन नहीं हो पाए, अभी वापस होटल जा रहे हैं। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन की है ना वो इतनी व्यवस्था नहीं है, जो धक्का मुक्की भीड़ भड़क्का में और जो गंगा घाट है वहाँ पे गंदगी का आलम मचा है,
बाकी जो प्रशासन की व्यवस्था है वो उतनी जो रहना चाहिए तगड़ी वो नहीं है, प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, गड़बड़ी है प्रशासन में। प्रशासन की मांग करना चाहते हैं कि लेडीज की व्यवस्था मतलब ढंग से होना चाहिए, कोई सुरक्षा के भी इंतजाम होते नहीं है, हर एक किलोमीटर पे पुलिस वाला एक दिखता है, यहाँ तक कि गंगा घाट पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सेल्फी ले रहे हैं आप नौका विहार में, नौका विहार वाले भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने काम के प्रति। आज हम लोग सावन के दूसरी सोमवार पर, वैसे तो प्रत्येक साल की तरह हर साल हम लोग जो है सेवा करते हैं, तो दूसरी सोमवार को भी हम लोग शरबत पानी बांटकर जो है यहाँ पे इतने कांवरियाँ आए हुए हैं, दर्शनार्थी आए हैं, उनका सेवा हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या इस बार कुछ ज़्यादा मात्रा में भीड़ आई थी, पहले सोमवार भीड़ नहीं आई थी। तो आगे क्या योजना होगी आपके? योजना नहीं, आज हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से ये शरबत बांट रहे हैं, हम लोग का बस योजना यही है कितना हो सके उतना श्रद्धालुओं को हम लोग सेवा दे सके, उनका जो है हम लोग यात्रा बढ़िया कर सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वाराणसी फर्स्ट लार्जेस्ट किड सेक्शन स्कूल केके चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी नाउ आवर फिफ्थ ब्रांच एट भोजबेर बिहाइंड विशाल मेगा मार्ट फ्रॉम भोजबेर क्रॉसिंग। English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Mahesh Nagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojbel crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 2311006. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi. With science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State of the art computer lab. Smart classes, music classes, art and crafts. Experienced and dedicated faculty members. Well stocked library. Indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान ताकि आप बने स्वनिर्भर, देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose because I'm providing the best education to my child, and that's the Swami Har Sevanand Public School. Har Sevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Har Sevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi.
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब मॉडर्न केमिस्ट्री लैब लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे पत्रकारों से रूबरू हुए। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने कचहरी स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई सरकारी तोता बन गई है। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी से जब कोई पैसे का ट्रांसफर किसी के खाते में हुआ ही नहीं तो फिर ईडी की जांच और कैश का आधार क्या है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी और एजेएल के शेयर होल्डर शांति भूषण और मार्कंडे काटजू बताएं कि आजादी की आवाज अखबार नेशनल हेराल्ड कौमी एकता और नवजीवन को घाटे से निकालने के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेश में सरकार गिराने वाले विधायक और उनके नेताओं द्वारा होटल में ठहरने और प्राइवेट जेट से आने जाने का खर्च किसने उठाया, ये ईडी ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच क्यों नहीं की। आज किस तरह से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है? देखिए, प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो मुख्य कारण है ईडी है और ईडी एक तरह से सरकारी तोता है। सरकार जो बोलेगी वो ईडी करेगी, मतलब ईडी की एक स्वतंत्र संस्था है संवैधानिक रूप से, लेकिन संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था रहने के कारण भी ईडी सत्ता में बैठे हुए और अपार दौलत अर्जित करने वाले व्यक्तियों की कभी कोई जांच नहीं करती। आपको एक उदाहरण बता दें कि अभी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे प्राइवेट विमान से कई बार आए और गए, उसका खर्चा किसने दिया? क्या ईडी को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? विधायक 40 विधायक रोज फोटो दिखाया जाता था, मेरे पास 40 हैं, 38 है, 50 पहुंच गए हैं। उन 50 विधायकों के 20 दिन का खर्चा किसने दिया? विधायकों की तनख्वाह कितनी होती है, उनके आय के स्रोत कितने होते हैं? ईडी ने इस पे जांच नहीं किया। ईडी किस पे जांच कर रही है? राहुल गांधी को बुला रही है, राहुल गांधी जी से पूछताछ करना है, उनसे पूछताछ हो गई तो सोनिया गांधी को बुला रही है। मतलब देश के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता से पहले 1937 में एक कंपनी बनी थी एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इसमें करीब 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1938 में 3 अखबारों का संपादन शुरू हुआ, कौमी एकता, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन, और इसको स्वतंत्रता संग्राम का अखबार या कांग्रेस का मुखपत्र भी उस समय कहा जाता था। लेकिन 1945 के बीच में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जब पंडित जवाहर फिर उसके बाद 46 से प्रतिबंध हटा लिया गया, भाई अंग्रेजों को अपनी बुराई सुनना नहीं था इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा जा रहा था उसका अखबार। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ सारंगी द्वारा गुरुचरण वंदन का आयोजन हुआ।
प्रख्यात सारंगी वादक पंडित संतोष कुमार मिश्र के जन्म समारोह के अवसर पर ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ सारंगी द्वारा गुरुचरण वंदन का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में किया गया। इस संध्या का प्रारंभ अर्चित मिश्र व अमृता मिश्रा के मंगलाचरण से हुआ। तत्पश्चात रुद्राक्ष और अंकित मिश्र ने सारंगी वादन के द्वारा रागमारू विहाग का अवतरण किया। दूसरी प्रस्तुति प्रयागराज के प्रख्यात गायक पंडित विद्याधर मिश्र की रही। इस अवसर पर तीसरी और आखिरी प्रस्तुति उस्ताद सरवर हुसैन व अमान हुसैन की रही। तबले पर पंडित भोलेनाथ मिश्र, पंडित ललित कुमार, पंडित कुबेरनाथ मिश्रा, शिवम मिश्रा ने साथ दिया। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। क्या है आज किस तरह का ये कार्यक्रम संगीत समारोह है? देखिए, ये मेरे पिताजी पंडित संतोष कुमार मिश्रा जी, जो सारंगी रत्न के नाम से मशहूर थे और बनारस के एक बहुत दिग्गज कलाकार थे, उनकी याद में उनके जन्म दिवस पे हमने ये पहले प्रथम वर्ष है हमने ये शुरू किया कार्यक्रम। और कोशिश है कि सारंगी को और संगीत को और हमारा जो घराना सारंगी का है उसको हम आगे ले जाए। तो क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम रखने का? कार्यक्रम का उद्देश्य ये कि हम सारंगी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। जो ये वाद्य बज रहा है ये लुप्त वाद्य हो रहा है, तो हमने कलकत्ता से जो भी बजा रहे हैं बंगाल से कलकत्ता से सरवर उसका सरवर हुसैन जी आए हुए हैं, उनके बेटे से आए हुए हैं, इनको बुलाया है। और प्रयागराज से गायन में आए हुए थे विद्याधर अंकल जी, और उसके पहले भी एक सारंगी कार्यक्रम, तो प्रसार प्रसार करना है संगीत का। वाराणसी निषाद राज कल्याण समिति द्वारा फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया। वाराणसी निषाद राज कल्याण समिति के तत्वाधान में हिन्दुस्तान की बहादुर वीरांगन महिला फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभा के मुख्य अतिथि इंजीनियर गणेश प्रसाद यादव, बबलूसा जिला कांग्रेस कमेटी के महानगर सचिव अनुपम राय इत्यादि लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि फूलन देवी एक महान महिला थी, पूरी जिंदगी बुराई और जुल्म के लिए वो लड़ती रहीं। इस मौके पर सतीश कुमार, दुर्गा मांझी इत्यादि लोग शामिल रहे। आज आप लोगों ने यहाँ क्या किया है? आज हम लोगों ने इनके मार्गदर्शन के सुझाव पर चलते हुए आज इनका हम लोग पुण्यतिथि शहादत दिवस आज मनाया है कि समाज में संदेश जाए कि समाज में इनके चाहने वाले, इनके जानने वाले, इनको ऊपर ले आने वाले भी एक छोटा सा सिपाही कार्यकर्ता के रूप में समाज में इनका जोगी करने वाला है। इनके आत्मा को शांति दे भगवान की, इनका जो आत्मा भटक रहा है इनके आत्मा को शांति दे। इनके जो अधूरा काम है हम लोग वो अधूरा काम को समाज के द्वारा से क्षेत्रीय समाज, जैसे हम लोग बुजुर्ग जो कि सच्ची गणेश यादव जी जो इंजीनियर है, ऐसे बुजुर्ग के साथ हम लोग को मिल रहा है। रविदास मंदिर प्रबंधक जी है सतीश जी, इनका हम लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है। और हमारे क्षेत्र के बबलू शाह जी, सभासद जी है, ये भी बहुत जोग, इनके भी अंदर भी बहुत जोश आता है। आज इनकी पुण्यतिथि आप लोग मनाए? हम लोग मना रहे हैं, कई साल से मना रहे हैं इस भैंसासुर घाट पे। और हम लोगों का साथ एक अंडे साथी हम लोगों का अच्छे जबरे मिलते जा रहे हैं। जिसे अध्यक्ष हमारे साथ दुर्गा साहनी जी बैठे हुए हैं, हमारे छायाकार बंधु बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो लोग हम लोगों की बातों को आगे तक पहुँचाते हैं। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि वीरांगनाओं की श्रेणी में अगर जब भी बात आती है तो सबसे ऊंची सबसे पहली बात हमारे फूलन देवी की आती है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, अपने हक अधिकार को सबके सामने रखा। एक समय ऐसा आया था 8 वर्ष तक इनको जेल में रखा गया बिना किसी मुकदमे के, मुकदमा इनके ऊपर नहीं चल रहा था, इनको जेल की कस्टडी में रखा गया। अंततः ये सरकार आज जाकर मुलायम सिंह की सरकार उसमें हुआ करती थी, उन्होंने सभी आरोपों को वापस लिया। वापस लेने के बाद इन्हें मुक्त किया गया। मुक्ति के बाद इन्होंने मिर्जापुर से सांसदी लड़ी और बड़े ही अच्छे बहुमतों के साथ ये सांसद चुनकर आई। संसद भवन में बैठने का कार्य इन्होंने किया हमारी बातों को रखने का। कायरता ये थी हमारे समाज की, शेर सिंघाना जैसा एक व्यक्ति जो बंदूक की नोक पर काम करने वाला, इनके आवास के सामने ही जो इनको आवास प्राप्त था आवंटित हुआ था उसके सामने इनकी हत्या कर दी गई। आज तक उसका कोई भी रेखा जोखा लेने वाला नहीं है, उसके विरोध में कोई सरकार ने नहीं कदम उठाया। रोट्रेक्ट उदयवीर के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ।
सिग्रा स्थित एक होटल में रोट्रैक्ट उदयवीर की तरफ से दूसरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन राहुल सिंह रहे तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष संजय अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद रोट्रैक्ट उदयवीर के पूर्व 3 DRR चंद्रशेखर कपूर, शैलेन्द्र मिश्र, अजीत मेहरोत्रा को सम्मानित किया गया। साथ ही कुशाग्र मिश्र ने अध्यक्ष गौरव पाठक को कॉलर पहनाकर नए सत्र की शुभकामनाएं दी। इसके बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर रोटरी क्लब के चार्टर्ड प्रेसिडेंट सचिन मिश्रा, प्रिया मिश्रा, कवि गौरव चौहान, सूरजमणि त्रिपाठी इत्यादि लोग शामिल रहे। यहाँ पे किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और किस उद्देश्य से रखी गई है? जी, ये हमारा पथ ग्रहण समारोह था, जिसको हम लोग अपने रोटरी लैंग्वेज में इंस्टॉलेशन कहते हैं। हमारा ये सेकंड इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, जो कि हमारा थर्ड ईयर है क्लब खुलने के बाद का। और इस इधर हम लोग हमारे बोर्ड पद ग्रहण करके आगे की टेन्योर की जो प्लानिंग है सारी शेयर करते हैं कॉन्फ्रेंस में, और उस चीज के लिए शुभकामनाएं देने के लिए हमारे जो पास लीडर्स हैं वो आकर के हमें वेल विशिंग करते हैं। पार्टिसिपेट में आज कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं आपके कार्यक्रम में? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज आए हुए हैं, जो कि हमारे पास्ट लीडर्स रहे हुए हैं, PDRR रहे हुए हैं, PDG रहे हुए हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस गेस्ट ऑफ ऑनर कवि जो कि गौरव चौहान जी, वो भी आए थे, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर के। और अभी हमारे कोलकाता से गेस्ट आए हुए हैं, जिनको जिनके साथ हमारी ट्विन क्लब एग्रीमेंट होने वाली है। जी, हमारी एक संस्था है रोट्रैक क्लब उदयवीर के नाम से, जो कि 18 मई 2020 को चार्टर हुई थी। आज उसी का द्वितीय वो इंस्टॉलेशन है, जिसको हम लोग कहेंगे एक तरह से एनिवर्सरी थी, दूसरा साल उसको मनाया गया। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट रोटेरियन से संजय अग्रवाल सर थे, और PDRR से अजीत मल्होत्रा जी थे, PDRR चंद्रशेखर कपूर और अन्य रोटेरियन बंधु जिनका आशीर्वाद हमें मिला है, और ऐसे ही मिलता रहेगा। कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कार्यक्रम में? जी, कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? जी, करीब यहाँ पे 45 से 50 लोग उपस्थित रहे हैं, और इस कार्यक्रम में उद्देश्य मेन यही है कि हमारे जो रोटरी क्लब की संस्था है, एक हम लोग के जो काम करने की प्रतिभा है वो सब पूरी दुनिया देखे, और एक तरह से जितने हमारे मेंबर हमारे साथ काम करते हैं उनको एक ग्रेटिट्यूड देने का और संबोधन करने का एक जरिया था ये। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा का पद ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा का 19वां पदग्रहण समारोह सिग्रा स्थित एक होटल में संपन्न हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक अरोड़ा को निवर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद ने तथा नवनिर्वाचित सचिव विशाल रस्तोगी को निवर्तमान सचिव अमरीश निगम ने पदभार सौंपा। समारोह के मुख्य अतिथि आयुष राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र तथा विशिष्ट अतिथि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग के पूर्व कुलपति डॉ AN राय रहे। मुख्य अतिथि डॉ दयाशंकर मिश्र ने कहा कि रोटरी अपने प्रयासों से पीड़ित मानव की सेवा में अनेक कार्य कर रही है, जो कि प्रशंसनीय है। मुख्य अतिथि ने गत वर्ष उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदस्यों को सम्मानित किया। इससे पूर्व अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद समृद्धि तिवारी ने शिव स्तुति प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्य रूप से हरिमोहन शाह, उत्तम अग्रवाल, VN सिंह, अनूप नागर, अजय पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा का आज 19वां पदग्रहण समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है, और आज नए अध्यक्ष रोटेरियन आलोक अरोड़ा और नए सचिव रोटेरियन विशाल रस्तोगी को पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा का 19 वर्ष का इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, और इसकी स्थापना रोटरी के शताब्दी वर्ष में 2004-05 में 22 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई थी, और आज ये क्लब शहर का एक जाना माना क्लब है, और समाज सेवा के क्षेत्र में ये क्लब हमेशा निरंतर कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, और आगे भी जो इस सत्र में जिन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की है वो भी
मुझे आशा है कि वो इस वर्ष भी अच्छा काम करेंगे। रोटरी क्लब का काफी बनारस में नाम तो है, नाम बनारस की अगर बात करें शिक्षा की अगर बात करें तो आप जो संस्था है तो शिक्षा में जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो परिवार का असमर्थ होता है, उनके लिए आपकी संस्था क्या करती है? जो बच्चे कमजोर हैं, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको हमारे अध्यक्ष जी ने भी आज बताया है, उन्होंने उनका गोल भी है, वो छात्रवृत्ति की सहायता हम लोग करेंगे और उनको आगे की शिक्षा जारी रखने का प्रयास करेंगे। अगर वो वंचित हैं, इससे शिक्षा से वंचित हैं, तो उनका पूरा सहयोग टोपी जवान से शिवंगा करेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के अन्य शिवालयों में लगाई हाजिरी। देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। केंद्र सरकार द्वारा रोटी पर टैक्स लगाने का अनोखा विरोध करते हुए निकाली गई रोटी कांवर यात्रा। और वाराणसी निषाद राज कल्याण समिति द्वारा मनाया गया फूलन देवी का शहादत दिवस। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।